सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है एंड किस किस रीजन की वजह से इन्फ्लेशन आता है, सारी चीजों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर हमें इन्फ्लेशन के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री में जाना होगा। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ मनी को देखें, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ करेंसी, तो सबसे पहले जो था बार्टर सिस्टम था, यानी कि लोग गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स लेते थे। यानी कि मान लो अगर आपको कोई गुड्स चाहिए तो उसके एक्सचेंज में आपको कुछ गुड्स देना होता था और उसके अगेंस्ट आपको कुछ गुड्स लेना होता था। फिर कॉन्सेप्ट आया करेंसी का, यानी कि मनी का। और ये प्रोसेस इसलिए आया क्योंकि ये बहुत ही इजीएस्ट प्रोसेस था, करेंसी को कैरी करना बहुत ही इजी होता था एंड बहुत ही इजीली आप करेंसी के अगेंस्ट में किसी को गुड्स को भी बाय कर सकते थे। इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब डिमांड एंड सप्लाई के बीच कोरिलेशन ठीक नहीं बैठता। यानी कि मान लो आपके पास 100 रुपीज है एंड मार्केट पे 100 गुड्स अवेलेबल है, यानी कि एक गुड्स का प्राइस है 1 रुपीज। सडनली मार्केट पे बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो गया लेकिन सप्लाई उतना ज्यादा नहीं है। सो अगर एक गुड्स का प्राइस 2 रुपीज हो जाए तो उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाना। सो मेन रीजन होता है इन्फ्लेशन का डिमांड एंड सप्लाई के बीच मिसमैच। सो अभी इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन है, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया एंड जीडीपी ग्रोथ बहुत घट गया है। इस जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा बाइंग करना पड़ेगा। अगर लोग बहुत ज्यादा बाइंग करते हैं उससे गवर्नमेंट का इनकम भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी घटेगा। लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों मनी प्रिंटिंग नहीं कर रहे। मनी प्रिंट करने का पॉजिटिव साइन तो आपको टेम्पोरेली मिलेगा लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत टाइम तक रहता है। अगर हम जिम्बाब्वे को देखें, जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने 1990 में बहुत सारा मनी प्रिंट किया टू फाइट अगेंस्ट देयर फिस्कल डेफिसिट एंड उनका इन्फ्लेशन रेट 7,960 करोड़ तक चला गया। यानी कि उनका इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया, प्रोडक्ट का दाम एवरी 2 दिनों में डबल होना शुरू हो गया, जिस कारण ये कंट्री और ज्यादा डेप्थ में चली गई। किसी भी कंट्री के लिए 2 तरह के प्रोसेस होते हैं अपने फिस्कल डेफिसिट को घटाना। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब किसी कंट्री का इनकम एक्सपेंसेस से कम होता है तो उसे डेफिसिट कहते हैं। उस डेफिसिट को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ता है या फिर मनी प्रिंटिंग करना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट हर साल वर्ल्ड बैंक से बहुत ज्यादा लोन लेता है लेकिन कभी भी आज तक हमारे गवर्नमेंट ने मनी प्रिंट नहीं किया। इसलिए शायद सभी चीजों का दाम बढ़ रहा है लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है इंडिया में वो अभी 3.7% है। सो नॉर्मली गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, या तो लोन ले या फिर मनी प्रिंट करे। सो मनी प्रिंट करने का क्या नतीजा हो सकता है ये हमने देख ही लिया, इसको हम और एलेबोरेट करेंगे। मान लो गवर्नमेंट ने बहुत सारा मनी प्रिंट किया एंड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लोग क्या करेंगे उस मनी को लेके, कुछ लोग कुछ परसेंटेज को सेव करेंगे लेकिन मैक्सिमम लोग उसे स्पेंड करेंगे, क्योंकि फ्री में जब आपके हाथ में मनी दिया गया है तो आप जरूर उसको यूटिलाइज करेंगे। कुछ लोग मोबाइल खरीदेंगे, कुछ गाड़ी खरीदेंगे, कुछ एक्सपेंसिव चीजें खरीदेंगे। इससे क्या होगा, सडनली मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा लेकिन उस डिमांड को मैच करने के लिए उतना ज्यादा सप्लाई नहीं होगा। तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सभी चीजों का स्टॉक घटने लगेगा एंड कंपनी को डिमांड घटाने के लिए प्राइस को हाइक करना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस हाइक होता है एंड इस प्राइस हाइक का बेनिफिट सिर्फ कंपनी को नहीं मिलेगा, इससे गवर्नमेंट भी बहुत सारा बेनिफिट लेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट फिर GST बढ़ेगा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगा, इनकम टैक्स को बढ़ाएगा। सो अगर गवर्नमेंट आपको 100 रुपीज देता है तो गवर्नमेंट अपना 50 रुपीज का फायदा उसमें देखेगा। लेकिन जब आप उस मनी को स्पेंड कर दे तो उसके बाद भी आपके बीच वो डिमांड रहता है तो आप क्या करोगे, तो नॉर्मली पीपल क्या करते हैं उसके बाद लोन लेना शुरू करते हैं, लोन लेके अपने डिमांड को फुलफिल करते हैं, जहां से इन्फ्लेशन का स्टार्ट होता है। अब इन्फ्लेशन जब बहुत बढ़ जाए, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच मिसमैच हो जाए, बहुत ज्यादा डिमांड के कारण प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाए, तो अब गवर्नमेंट को रेट हाइक करना पड़ता है। क्योंकि अगर लोग ज्यादा लोन लेने लगे इन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर और ज्यादा इन्फ्लेशन होने का डर क्रिएट होता है। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए एंड लोग बहुत एसेंशियल रीजंस के लिए ही लोन ले। फिर क्या होता है, धीरे धीरे सप्लाई बढ़ता है एंड डिमांड घटता है। लेकिन अगर फिर से डिमांड एंड सप्लाई उसी रेट पे आ जाए, फिर भी प्रोडक्ट्स का दाम उस रेट से नहीं घटता, क्योंकि एक बार अगर प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ जाए, गवर्नमेंट ने अपना एक्साइज ड्यूटी GST बढ़ा दिया, कंपनी ने अपना कॉस्ट बढ़ा दिया, फिर उस रेट से वो उस प्राइस को नहीं घटाते, जिस कारण चीजों का दाम बढ़ जाता है एंड उसे काबू करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तब जब किसी कंट्री का GDP या फिर इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, जैसे कि इंडिया। सो US ने बहुत सारा मनी प्रिंट किया, दुनिया भर के जो बड़े कंट्रीज है उन्होंने $8-9 trillion ऑलरेडी प्रिंट किया, लेकिन उससे उनके इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद उनका इन्फ्लेशन रेट थोड़ा बढ़ गया, इन फ्यूचर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के उसको मैच कर लेंगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से डॉलर का प्राइस भी बढ़ता है, यानी कि डॉलर स्ट्रांग होता है।
क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लेकिन हमारे जो इंडियन करेंसी है उससे उसका वैल्यूएशन घटता है, जो भी इन्फ्लेशन को बढ़ाता है इन फ्यूचर। दैट इज द रीजन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई मनी प्रिंटिंग का डिसीजन नहीं लिया। मुझे ये लगता है इन फ्यूचर भी इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लेशन भले ही बढ़े लेकिन अभी भी उतना क्रिटिकल कंडीशन नहीं हुआ जो कि जिम्बाब्वे में हुआ था या फिर पाकिस्तान में है। सो जो भी लोग मनी प्रिंटिंग के बारे में क्वेश्चन करते हैं उनको ये चीजों के बारे में जरूर सोचना चाहिए एंड किस रीजन से इन्फ्लेशन बढ़ता है उसको भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।